आज भरतपुर जाना जा रहा है 6 साल की बच्ची के बलात्कार के लिए, 7 साल की बच्ची के बलात्कार के लिए मोबाइल इन्होंने बांटे, मोबाइल से ज्यादा डंडे इन्होंने माता बहनों पे हमारी पे बांटे हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, सिर्फ जवान से लड़ सकती है, बाकी उनपे किसी चीज से लड़ा नहीं जाता। राजस्थान में इतनी बुरी स्थिति महिला बहन बेटियों की हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मैं यहाँ आऊँ, भरतपुर आऊँ या आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के उनके परिवारों के साथ खड़ा हूँ। आएंगी तो उनका अपना प्रोपेगेंडा रहता है सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए। लाइट फ्री कर दई, फ्री कर दई, 100 यूनिट फ्री है। हाँ, बहुत 100 यूनिट फ्री है। आगे देखो गुने के दूने बिला रहे हैं। अब ये बताओ, आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो या सरकारी स्कूल में? पहले सरकारी में जाती थी, अब प्राइवेट में जाती हूँ। छोड़ा सर, सरकारी स्कूल, सरकारी में कोई पढ़ाने के लिए है ही नहीं, और इतने खराब दिन चल रहे हैं, बहुत माहौल खराब है स्कूल का। अच्छा, इसलिए माहौल अच्छा नहीं? नहीं, माहौल ऐसा भाई, मैं बताऊंगी कि बच्ची स्कूल तो आती है, बच्ची स्कूल तो पढ़ के आती है, तो रास्ते में लड़के मिल जाते तो चांटे मारते हैं लड़कियों, लड़कियों में, इसलिए प्राइवेट में कर दिए। मतलब टीचर ही ऐसे हैं तो बच्चे क्यों नहीं होंगे फिर? टीचर माने क्या? टीचर रोक नहीं करते, टीचर रोक नहीं करते, टीचर रोकते बिल्कुल भी नहीं, रोकते छेड़छाड़ होती है यहाँ पे। हाँ, कोई डर नहीं है? बिल्कुल भी ना। अच्छा, डर लगता है क्या बाहर? हाँ, क्या 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 गंदी संदी बात आने लिखे जाएंगे लड़का ही का, और बाल बच्चे न्यू ना के मास्टर रहता है काय को लिख रहे हैं। ये गहलोत, आप आइए, गहलोत, गहलोत सरकार के मंत्री हैं। एक मिनट, गहलोत इधर आइए जी, इधर। गहलोत सरकार के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं, जब उनसे जवाब पूछा गया था कि राजस्थान नंबर वन हो गया है पूरे भारत में बच्चियों के बलात्कार में, एक टाइम पे राजस्थान जाना जाता था केसरिया वीरांगनाओं के बारे में, पढ़ाई के बारे में सबसे पहले नंबर पे हमारा राजस्थान आता था, लेकिन गहलोत साहब के राज में रेप में राजस्थान नंबर वन पे आ गया, कर्जे में राजस्थान नंबर टू पे आ गया, भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर वन पे आ गया। तो उसके जवाब में इनके मंत्री कहते हैं कि भाई राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि मर्द वो जो महिला की इज्जत करे, मर्द वो जो बेटी का सम्मान करे, मर्द वो जो घर का पालन पोषण करे। इस समय हमारे राजस्थान के मुखिया आचार संहिता से पहले गहलोत साहब रहे, बुजुर्ग हैं, हम भी सम्मान करते हैं, नहीं अब शब्द कहना चाहते, लेकिन आज धरातल पे ढाड़ी ढाड़ी हर महिला इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि इनके खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है। हम जानते हैं कि आपकी एक उम्र की सीमा है, हमको भी मर्यादा में रहना है, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया है कि हम आपके खिलाफ इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हम बच्चे हैं, आपसे ये उम्मीद करते थे कि आपको राजस्थान ने भरोसे पे आपको राजस्थान में लाए, वोट दी, लेकिन आपने सारा भरोसा अपना खत्म कर दिया कि हम तो चले गए राजस्थान को, कर्जे में डूब गए कि अब तुम संभाल लेना। उन्होंने ये स्थिति कर दी है कि हमारे बाद भी राजस्थान को संभालने में बहुत समय लगेगा। ये सिर्फ प्रधानमंत्री भारत के मोदी जी हैं जो राजस्थान को इस हालत में संभाल सकते हैं जैसे कोरोना में मोदी जी ने राजस्थान को संभाला था। आज भी मोदी जी ही ऐसे हैं जो इस स्थिति में राजस्थान को संभाल सकते हैं। नहीं, राजस्थान का कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ मर्दों का देश कहने वाले जो मर्दों को और ज्यादा प्रोत्साहन कर रहे हैं, हमारे यहाँ वीरांगनाएं हुई हैं, केसरियाएं हुई हैं महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, या हमारे योद्धाओं ने अपना बलिदान दिया है, दिल्ली पे चढ़ाई करी हमारे महाराज सूरजमल ने एक बेटी हरदौल की इज्जत को बचाने के लिए, इसी शान के लिए भरतपुर जाना जाता है, यहाँ के लोगों की बहादुरी के लिए भरतपुर जाना जाता है, लेकिन इनके मंत्रियों ने भरतपुर का नाम गर्त में डाल दिया। आज भरतपुर जाना जा रहा है 6 साल की बच्ची के बलात्कार के लिए, 7 साल की बच्ची के बलात्कार के लिए मोबाइल इन्होंने बांटे, मोबाइल से ज्यादा डंडे इन्होंने माता बहनों पे हमारी पे बांटे हैं। आज ये राशन किट बांट रहे हैं और ज्यादा बच्चियों परिवारों को ये बीमार करने का इन्होंने मौका ढूंढ लिया है कि उनमें राशन में नमक में मिर्च में सब खराब मिट्टी आ रही है मिर्चों में। अगर इन्होंने पैसा दिया अपने मंत्रियों को, ये खुद देख लें इनके मंत्री किसने किस स्टैंडर्ड के हैं, कि पैसे को इनके मंत्रियों ने इनके को किस तरह बर्बाद किया है, इनके नाम का इनके मंत्रियों ने ही सूपड़ा साफ किया है। तो हम तो ये कहेंगे कि गहलोत साहब, आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपके मंत्री आपके साथ नहीं, आपकी जनता आपके साथ नहीं, तो कृपया करके हमें माफ करें, आपकी तबीयत खराब है, आप घर पे आराम करें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा मैडम, नाम क्या बताया आपने? अपना नाम नहीं पूछा मैंने। हाँ, मोनिका जैन। मोनिका जी,
महिलाओं के सम्मान के लिए जो है वो प्रियंका गांधी मैदान में है। कहीं पे भी देश भर में बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं तो आप देखेंगे कि प्रियंका जी पहुंचती हैं। राजस्थान में भी कई घटनाएं हुई हैं, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे वो प्रतापगढ़ हो, अभी आपने भरतपुर की घटना का जिक्र किया, तो सरकार का क्या एक्शन रहता है इसमें? देखिए, प्रियंका जी बड़ी बहन है हमारी और उनके लिए हम कहना चाहेंगे कि अभी वो पहले हिंदुस्तान की भाषा शैली, हिंदुस्तान के धरातल को समझें। विदेशी पढ़ाई से हिंदुस्तान नहीं चलने वाला। वो किराने की दुकान पे स्वास्थ्य ढूंढ रही हैं, स्वास्थ्य दवाइयां ढूंढ रही हैं किराने की दुकान पे, तो उनको ये नहीं पता स्वास्थ्य कहाँ मिलता है और किराने की दुकान पे क्या मिलता है। दोनों भाई बहन बराबर की स्थिति में हैं और वो मातृशक्ति है, हमारी बहन है। लेकिन हम उनसे अपने बहुत ही मर्यादित शब्दों में ये कहना चाहेंगे कि आपके बस में नहीं है हिंदुस्तान, कृपया करके आप अपने इटली में जाइए, वहाँ मॉडर्न जमाने के साथ अपने त्योहार मनाइए। ना आपको दिवाली से मतलब, ना होली से मतलब, ना रक्षाबंधन से मतलब, ना दशहरा से मतलब। यहाँ की संस्कृति सभ्यता से आपका कोई लेना देना नहीं है, यहाँ की परिस्थितियों से आपका कोई लेना देना नहीं है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, सिर्फ जवान से लड़ सकती हैं, बाकी उन पे किसी चीज से लड़ा नहीं जाता। राजस्थान में इतनी बुरी स्थिति महिला बहन बेटियों की हो रही है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा कि मैं यहाँ आऊं, भरतपुर आऊं या आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के उनके परिवारों के साथ खड़ा हूं। आएंगी तो उनका अपना प्रोपेगेंडा रहता है सिर्फ मोदी जी को बदनाम करने के लिए। ऐसी कोई गाली नहीं है जिस जो मोदी जी को इन लोगों ने नहीं दी, ऐसी कोई अपशब्द नहीं है जो इन्होंने मोदी जी के लिए नहीं बोला। फिर भी हम भारत के लोग हैं, हम चाहते हैं कि आप मर्यादा में रहें। नहीं, जो मोदी जी के खिलाफ जाएगा, जब भारत देश की महिलाएं मर्यादा से बाहर आएंगी ना, तो इनका सुपड़ा साफ है। तो प्रियंका जी से यही कहना है, कृपया आप अपने महलों में, अपने दरबारों में विराजमान हो। राजस्थान की जनता को बहलाएं फुसनाएं आपके बस की नहीं है, क्योंकि ये राजपूतानाओं का शहर है, मर्दानियों की जगह है। तो आपके आने से यहाँ कुछ बदलने वाला नहीं है। हम यहाँ तक झिक गए हैं, हमारी महिलाएं बिल्कुल भर चुकी हैं आपके प्रलोभन लोभन, इनको लुभाने वाले नहीं है। आप कितना ही हंस लें और पिंक ब्यूटी से आप कितना ही यहाँ पे कुछ भी माहौल क्रिएट करें, लेकिन आप जो चाहती हैं वो राजस्थान नहीं करने वाला है। आपने कहा है कि मैं राजस्थान में महिलाओं के साथ खड़ी होंगी, लेकिन आपने उसका एक भी जगह कोई भी स्टैंड नहीं लिया है। तो अब आपके ये मोबाइल बांटना, ये छोटी मोटी चीजों को पब्लिक को देना, तो पब्लिक इनसे खुश नहीं है। आपने मोबाइल दिए लड़कियों के लिए और वो मोबाइल आज फट रहे हैं और मृत्युएं घर में हो रही हैं। कुछ भी आपका किसी परिस्थिति से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी जवान चलती है, दिमाग वो आपका चलता नहीं, भाई के बराबर ही आप दोनों की मानसिकता है। तो कृपया करके राजस्थान को और भारत देश को आप माफ करें, अच्छे व्यापारी हैं, विदेशों में जाके अपना काम करें। वो कहते हैं कि मोदी के जो शासन है उसके अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, क्या है इसकी सच्चाई? इसकी सच्चाई योगी मोदी के राज में देखो जाके, ने कोई उंगलियां उठाए के तो देखे लेडीज माऊ मई शूट कर देते साहब। हाँ, और जहाँ आके देखो राजस्थान में बैठ जावे ना जो और कह के भगा दे, काए जा जाओ तुम, डंडा मार मार के भगा दे। मैं भी किसान हूँ, गैया मेहनत मजूरी हम करे, गैया न्यू जार दे। मोदी जी के यहाँ फोन करो, योगी इनके यहाँ गाड़ी की गाड़ी आ जाते, गैया ने न्यू लेमा में ले जाए भर भर की। यहाँ दिन और रात आदमी सो में बैयर बाट देख रहे हैं, आदमी आ रहे किनारे, एक बज गो, दो बज गए, अब अभी तक ना आए। अरे गैया लग रही खेत में, न्यो ना आए बाल करने, दिन और रात हम पढ़ा में लिखा में, मेहनत मजूरी करके ला में है, और कह के पेपर लीक है गए, एक एक कैमे के दो कैमे, बताओ कब तक वो करें, कब तक पढ़ा में बाल करने। एक को सबर करे, दो को सबर करे, तीन को सबर करे, चार को करे, यहाँ में तो 19-19 पेपर लीक है रहे साहब, का करे। और देखो किसानन की कही के साहब तुम्हारा कर्ज माफ करेंगे, कर्ज माफ करेंगे, कैसा ले गई, एक साल देखी, दो साल देखी, चार साल देखी, सगरी बुने कर गई है, आज तक एक रुपया माफ करे हो जाने तो बता दो, अगर आ जाए ना तो मैं जब बताऊं और का। अच्छा, प्रियंका जी आई थी अभी झुंझुनू, कह रही थी मोदी जी का लिफाफा खाली है, कांग्रेस का भरा हुआ है। हमारे जोरे आके बतावे वो, जब बताएंगे हम कौन को लिफाफो खाली है, कौन को भरे हो। वो तो कहते हैं महिलाओं की नेता है प्रियंका गांधी, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ, तो हमारे अगारे आके दिखावे ना। हाँ, राजस्थान में आ जब बतावे हम। हाँ, जब बा खबर पड़ेगी राजस्थान की कैसी है। अब वहाँ बैठी बैठी ने बात बना ली होंगी, यहाँ आके देखे और का, खून पसीना ये करते हैं ना, मेहनत को खाते, बाकी तरह आराम को बैठो ना खामे, कुर्सी पे बैठी बैठी जी भला दई, और बाकी मन आई सो बात है गई पक्की, यहाँ आके देख, यहाँ आके बात करके देख, जब बताएंगे हम भाई कितनो यू समझो, अगर आ जाए ना तो एक शब्द कोई बैयर बा बोलन ना देगी।
अच्छा। हाँ प्रियंका इसलिए यहाँ नहीं आती है ना, वे आके तो देखे वो। अच्छा। हाँ वसुंधरा जी आई हमारी। हाँ। कितनी बैयर वो हाँ। कितनी बैयर आई इनके संग। हाँ। कितनी बू भाई बब्बू क्यों ना आके देखे, एक आध ना प्रियंका आके तो देखे ना। हाँ। एक आध ना आती राज खुशी लेती कछु पूछती। हाँ डोलते वहाँ मटकती यहाँ देखे भाई अन्न में आके। असली बात तो जब पता पड़े जब समाज में बैठे। हाँ। जब समाज में पूछे का हेरो काना हेरो। हाँ। माँ कुर्सी पे बैठे बैठे तो दुनिया बात बना दे सा। अच्छा ये बताइए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, कह रहे हैं उसके बाद महिलाएं जो है उन्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं महिलाओं की आवाज हो गए वो। अच्छा बाकी होंगी कोई हाँ। गुलाम हाँ। बे कर रही होंगी। हम बार ते पूछ के देखे हाँ। किसान ते पूछ के देखो जाके हाँ। कितनी बुरी हालत है रही है हाँ। राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? सम्मान तो सबको करना पड़े, इतना बुरो लगे अगर आ जाए तो मैं बता दूं कितना बढ़िया लगे। हाँ योगी हाँ बगल से कोई भी ना बाकी तो लाइट फ्री कर दई फ्री कर दई। हाँ बहुत ही सुन 100 यूनिट फ्री है। आगे देखो उन्हें के दूने बिला रहे हैं अब। हाँ उन्हें दूने बिला रहे हैं कितने। और जब कहे ना वो और कहते मुँह पे तो कहो ना आवे मैं पढ़ी लिखी ना हूँ यानी का यूनिट बता दे कछु वो जब कब चार साल पुरानी यूनिट आई यो बता चार साल पुरानी अब तुम दे रहे हैं जब ते का तुम मर गए जब ना पते ही तुम्हें। अब जो बताओ किसान कहाँ थे देखो चार साल पीछे नोट। और देखो हाँ एक बात है तो मैं भूली गई लोन अन्य जब तो कही माफ करेंगे तो किसान भैया ने सोची जब तो ऐसो भैया जोड़ समेट के और काउ को पीछे देंगे पहले बाकी ब्याज भरेंगे बैंक किए हैं मान कही माफ होगा तो जनता अभी चाहे खुश है के बैठ गई के ना माफ होगा देख ले एक साल देखी दो साल देखी अब वो ज्यादा है गो। हाँ। अब रोज नोटिस भेज तो आदमी ना मिले तो भाई रिंते गए यहाँ साइन करो आज गए तो दूसरे दिन फिर आ जाएगा यू समझो देरी की धूल ले रखी है माने इतने आती है गए बातें कि अगर आ जाए ना तो वह चोखी तरह ही बता दें।